माफ कर दीजिए रानी, हमने आपसे न जाने क्या क्या कह दिया। वो क्या है कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये सोच के भी हम बुखला गए कि आप हमें धोखा दे सकती हैं। हमें माफ कर दीजिए। जुनून देखकर हमें बहुत डर लग रहा है। अब मैं उसे उसी के हथियार से हराऊंगा। वो मर्दों का दिल जीत कर वार करती है ना, मैं उसका दिल जीत कर वार करूंगा। दादू, आपने इकबाल को मनाया, पर कैसे? आपने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर इकबाल एकदम से बदल गया? आमिर कोट रियासत में रही तो क्या हुआ रानी? तुम्हारी दादू आज भी राजमाता प्रियंवदा सिंह देव है, और वफादारी किसी की मोहताज नहीं होती। जिस इनकम टैक्स ऑफिसर के यहाँ से अंगद तुम्हारा नाम निकलवा कर लाया था, उसके पिता हमारे पुराने वफादार थे। जब तुम बरसात में खड़ी थी, हम उस ऑफिसर को इकबाल के पास लेकर आए थे। आइए। जो बात आपने हमें बताई वो नवाब साहब को बताएं। नवाब साहब, उस मोहरबंद लिफाफे में रानी जी का नाम हमने एक औरत के कहने पर डाला था। उस औरत ने हमें इस काम के पैसे दिए थे, और आपके खिलाफ ब्लैक मनी का इन्फॉर्मेशन भी उसी औरत ने दिया था। कौन औरत? जी, नुसरत बेगम। नुसरत जी, नुसरत। रानी के पास आपको धोखा देने की कोई वजह नहीं थी नवाब साहब, पर नुसरत उसके पास आपसे गद्दारी करने की वजह भी थी और मौका भी। जिस दिन नुसरत को हमारे और रानी के बारे में पता चला, वो हमसे नफरत करने लगी। उसे यही लगता था कि हमने उसे और जायरा को धोखा दिया है। आपको अब भी लगता है के रानी ने आपको धोखा दिया? हम राजमाता हैं, राजनीति हमारे खून में है। अब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य में दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ दादू, आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य की सबसे बड़ी रुकावट है वो अंगद। हमें पता करना है कि वो चीज क्या है, और इसमें आप हमारी मदद करेंगी।
मैं जाल फेंकने वाला हूँ रानी, और धीरे धीरे तुम इस जाल में फंसोगी जरूर। हम तुम्हें ऐसा फंसाएंगे अंगद कि हमारे जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हम कल रात के बारे में कुछ बात। राजमाता, ये हीरे कैसे लगे बिंदु? ये तो बहुत सुंदर है राजमाता, पर बहुत महंगे होंगे ना। नकली है। ये सब क्या है? दोस्ती के लिए जब भी गुस्सा होती हैं, तो बिल्कुल बच्ची बन जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक घड़ी गिफ्ट करता हूं, ताकि उसे देखकर आपको याद आ जाए कि अब आप बड़ी हो चुकी हैं, और शायद अब आपको लोगों पर चीजें फेंकना बंद कर देना चाहिए। हमें आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आखिर आप बिंदु के पति हैं। और मुझे भी आपके पर्सनल मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था। I'm sorry, मेरी वजह से आपके और नवाब साहब के बीच कुछ नहीं हुआ। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे और नवाब साहब के बीच दूरियां पैदा नहीं कर सकते। जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें कोई बाहर वाला अलग नहीं कर सकता। ये बात तो आपको पता ही होगी, आखिर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं। बिंदु से? आप बिंदु से सच्चा प्यार करते हैं ना? कोई शक? आप जानती हैं मैं बिंदु से कितना प्यार करता हूं? इतना प्यार करता हूं जितना प्यार आप अपने पहले पति से करती हैं। जी मजाक कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप नवाब साहब से ही प्यार करती हैं। हमारी छोड़िए, अपनी बताइए, आप और बिंदु कहां मिले थे? हम आपका मतलब नहीं समझे राजमाता, आपको पता था ये हीरे नकली है? हम एक नजर में असली नकली का फर्क पहचान लेते हैं बिंदु, यही जानने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम अंगद को पहली बार कहां और कैसे मिली? चंडीगढ़ में। मैं ढाबे पे खाना खा रहा था, उसने आकर मुझसे कहीं का एड्रेस पूछा। मैंने उसे मैनेजर के पास भेजा और मैनेजर को इशारे से अपने बिल के पैसे उसी से लेने को कहा, और वहां से चला गया। वो चिल्लाई, उसे गुस्सा आया। वो खूबसूरत थी और गुस्से में और भी खूबसूरत लगने लगी, लेकिन इसके बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? वो मुझ पर चिल्लाई
और तब मुझे लगा कि मुझे जल्दी से डिसीजन लेना ही होगा। कैसा डिसीजन? यही कि मैं माफी मांगूं या नहीं। आपने माफी मांगी? मैं आपके नवाब साहब जैसा नहीं हूं जो झुकने को तैयार ही नहीं होते। मुझे तो लगता है कि प्यार में माफी मांग लेने से इंसान का कद और बड़ा हो जाता है। वो जी प्यार में कैसी ईगो? प्यार में तो सॉरी, थैंक यू, बस यूं ही बोल देना चाहिए, है ना रानी जी? क्या हुआ, कोई पुरानी बात याद आ गई? फिर क्या हुआ? प्यार। प्यार? इतनी जल्दी प्यार हो गया? जबकि तुम बचपन से राजा को इतना प्यार करती थी, कैसे बिंदु? वो राजमाता, वो बिंदु मुझसे हमेशा कहती है कि मैं उसे आपके राजा की याद दिलाता हूँ। यहाँ मैं जानता हूँ कि बिंदु आपके राजा से बहुत प्यार करती थी। क्या आपको भी मैं राजा की याद दिलाता हूँ? हम राजा के साथ साथ राजा की यादों को भी भुला चुके हैं। जिस दिन राजा दिल से उतर गया, उस दिन नजरों से भी उतर गया था। और हम उसका ख्याल तो किया, उसकी शक्ल भी भुला चुके हैं। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। आज नहीं तो कल हम तुम्हारा सच पता करके ही रहेंगे अंगद। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें तोड़ने के लिए तुमसे दिल जोड़ कर रहूंगा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। जल्दी से तैयार हो जाओ रानी, नए साल के जश्न के लिए इकबाल और सारे मेहमान पहुंचते ही होंगे। क्या हुआ बच्चा? दादू हमें अंगद का सच जानना होगा। कल भी बिंदु और अंगद एक जैसी कहानियां सुनाकर बच गए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सच कैसे उगलवाएं। हम अभी आते हैं। ये क्या है दादू? ये ऐसी दवा है जिसे खाकर इंसान होश में नहीं रहता, और जो उसके मन में है वही कहता है। अगर हम ये दवा अंगद के खाने पीने की किसी चीज में डाल दें तो उसका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। हम सही कह रहे हैं? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दवाई काम करेगी? दादू वो बात नहीं है। हम मानते हैं अंगद हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी में भी कुछ उसूल होते हैं। कहीं ऐसा कुछ करके हम उसूल तोड़ तो नहीं रहे? भगवान कृष्ण ने कहा था, धर्म की लड़ाई में कुछ सही करने के लिए अगर गलत रास्ते का इस्तेमाल भी किया जाए तो वो अधर्म नहीं होता। और इस दवाई से
अंगद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये मत भूलो कि हम अंगद के खिलाफ नहीं, इकबाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं दादू, बदला तो हम लेंगे। नवाब इकबाल खान की बर्बादी कितनी खूबसूरत लगेगी आप देखते जाइए। जल्दी से तैयार हो जाओ। बात है अंगद साहब, नजर लगाने का इरादा है क्या हमारी रानी को? खूबसूरती की अगर तारीफ ना की जाए या उसे निहारा ना जाए तो वो खूबसूरती की तौहीन होती है नवाब साहब। बाखुदा अंगद साहब, अगर आप हमारे दोस्त नहीं होते तो हम आपकी आंखें दोबारा कभी उठने नहीं देते। पर आपने सच कहा, हमारी रानी है इतनी खूबसूरत कि हर मर्द की नजरें इन पर टिक जाती हैं। अब ये बेचारा आशिक क्या करे? दुनिया के हर मर्द को कत्ल तो कर नहीं सकता,
सच्चा आशिक तो वही है नवाब साहब जो इनके प्यार में कत्ल भी हो जाए। क्यों रानी जी, सर ले लीजिए।